ऐसी क्या बोलते हैं उसको, हल्का सा बॉयल खाते हैं, तो जो गरम मसाला हमने थोड़ा सा गाइस इसका मतलब कलर अभी से इतना छान लग गया। और विवान तो कह रहा मुझे भूख लग रही क्योंकि वो बोल रहा तो गाइज आज हम लोग बना रहे हैं एक अलग रेसिपी से चिकन जो बना रहा है भाई, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या किस तरीके से बनाते हैं हम लोग स्पेशल चिकन, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो जैसा कि ये है 1 किलो चिकन और हमने इसमें 2 टमाटर 2 प्याज काट दिए और ये मसाला है। आज ये थोड़ा सा खड़े मसालों को भूना जा रहा है कढ़ाई में ताकि उसको हम पीसेंगे और फिर मसाला तैयार करेंगे। तो अभी डल रही है, ये देखो निकाल रखे हैं सारे मसाले, अभी जितने भी खड़े मसाले हैं उसका एक अलग सा स्वाद आता है जब हम लोग उसको भूनते हैं। जैसे ही मसालों को भूना ये बिल्कुल भून चुकी है मिर्ची, अब इनको हल्का सा उठा जाएगा, ये निकाल दिया इसमें, अब इसको पूछा जाएगा। सरसों का तेल डल चुका है और इधर इधर हमारे चावल बन रहे हैं। हल्का सा पानी डाला ताकि तेल का कच्चापन निकल जाए, सरसों का तेल है ना इससे स्मेल नहीं आती है फिर, तो देखा कैसे, नहीं तो छड़ मतलब 2 सेकंड में गायब हो गया, अब निकल गया उसका कच्चापन। अब हम डाल सकते हैं, ये हमने हल्के हल्के कूटे ज़्यादा नहीं। अब इसके बाद देखो कैसे बनाते हैं, आपने मतलब प्याज डाला है तो उसको चलाते रहना है क्योंकि एकदम से जल जाएगा तो उसका उस तरह का स्वाद अच्छा सा स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि हमने ग्राइंड नहीं करना है, इसको ऐसे ही गलाना है प्याज टमाटर, तो इसको ऐसे चलाते रहो तभी अच्छे से पक भी जाएगा और उसका एक अच्छा सा टेस्ट भी आएगा। तो अभी गोल्डन हो गया है इस तरह से, अब हम इसमें डालेंगे चिकन डालेंगे, अब तो टमाटर नहीं डालेंगे अभी, टमाटर हम बाद में, हाँ तो टमाटर हम बाद में डालेंगे। ये हमारी यूनिक अलग से बना रहे हम लोग आज, अलग से रेसिपी, आप लोग भी जरा जरूर ट्राई करना, देखना कितना टेस्टी बनता है। आपसे पक जाए तो थोड़ा ढक्कन लगा दिया हम लोगों ने और 2 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं, फिर उसके बाद हम आगे मसाले डालेंगे इसमें और जो हमने खड़े मसाले कूट रखे हैं वो डालेंगे। मसाले तैयार कर रही है कस्तूरी मेथी और अभी पूरे मसाले अब हम हल्का सा पानी डाल के उसमें बनाएंगे। बस मैंने कहा था ना कि सिर्फ 2 मिनट के लिए ढक्कन लगाना, तो देखा होगा आपने आधा तो पक ही गया, जो सिर्फ ऐसे क्या बोलते हैं उसको हल्का सा बॉयल खाते हैं तो वो इस तरह से पका दे, देख रहे कुछ कुछ वाइट हो गया है तो वो पक चुका है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे, अभी हम इन्हीं सेफ से पूछ लेते हैं कि आप मसाला इस तरह, देखो मैं तो भाई मसाले जब बनाती मैं डायरेक्टली उसमें डालती हूँ, मैं नहीं करती, लेकिन ये जब भी बनाता अनोखे तरीके से तो अपने तरफ से, क्या मैं सही बता रही हूँ, तो बता दो क्यों मसालों को भुना मतलब इस तरह से भिगाते हो, भिगाते मसाला तेल में क्या होता है जल जाता है जल्दी, इसलिए पानी डालना पड़ता तो है उसके मसाले में। हाँ तो इसीलिए मुझे इसके हाथ का चिकन बहुत पसंद है, ये बहुत मतलब अच्छे से एक मेहनत से बनाता है, अच्छे से ना खाना नहीं बहुत अच्छे उससे बनाता है कि
मन, बोलते नहीं पूरे मन के साथ लगा के अच्छे से बनाता है वो खाना, तो बहुत ही लाजवाब बनता है। गरम मसाला थोड़ा सा रोस्ट करा था, रोस्ट से मतलब थोड़ा सा भुना था, उसके बाद हल्का सा भुना था इसको, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट तो ये भी ऊपर से डाल दिया। पता भी नहीं चलेगा कि हमने ऊपर से इसमें टमाटर डाले थे अच्छे से। अब लास्ट में डालेंगे हम लोग इसमें नमक, और सारे मसाले तो डाल दिए थे पहले, लास्ट में नमक। गाइस इसका मतलब कलर अभी से इतना छान लग गया, और विवान तो कह रहा मुझे भूख लग रही क्योंकि वो बोल रहा खुशबू आ रही है, और वाकई में इसकी खुशबू से मुझे भी भूख लगने लग गई। तो अभी हम लोग ग्रेवी वाला बनाएंगे, तो अभी इसको 2 मिनट ऐसे ही पकने देंगे, फिर बाद में हमको जितनी ग्रेवी चाहिए उतना सा इसमें पानी डालेंगे, और फिर देखना है कैसा बनता है। तो भाई ये मसाला पूरा चिकन मसाला भी डल चुका है, और मेरे से रहा नहीं जा रहा था तो मैंने एक पीस निकाल दी चखने के लिए कि कैसा बन रहा है। ये देखो ये अभी और मतलब थोड़ा सा बचा था तो हमने डाल दिया इसमें। अब इसको मिक्स करके फिर ढक देंगे इसको पकने के लिए ओनली फॉर 2 मिनट्स। उसके बाद इसमें हल्की सी ग्रेवी बनाएंगे हम लोग, क्योंकि हमने चावल के साथ खानी है। ये देखो टमाटर भी धीरे धीरे अपने आप ही गल रहे हैं, इसमें गलाने की ज़रूरत नहीं, खुद ही गल रहे हैं। ये थोड़ा सा ऐसे पकने देते हैं और आपको थोड़ी देर में बताएंगे जब ये पक के हम इसमें ग्रेवी बनाएंगे। विवान से पूछेंगे कि कैसा बना, वो सच सच बता रहा, अगर उसको अच्छा लगता है तो बोलता अच्छा बना है, और अगर अच्छा नहीं लगता तो मुंह पे बोल देता है कि अच्छा नहीं बना। तो अभी बनेगा फिर उसको हम टेस्ट करवाएंगे और उससे पूछेंगे। तो फाइनली गाइज ये रेडी हो चुका है खाने के लिए, तो जिसको ड्राई खाना है तो वो ऐसे ही खा सकते हैं क्योंकि ड्राई चिकन बन चुका है। तो हमें खाना है चावल के साथ, तो हमें इसमें थोड़ा सा ग्रेवी बनानी है। तो ये देखो बिल्कुल ही कितना अच्छा सा पक चुका है। तुम्हें मतलब पकने के बाद आपको इसमें पानी डालना है ग्रेवी बनाना है, तो ठंडा पानी बिल्कुल ना डालें इस तरह से, या तो अलग से किसी पतीले में पानी गर्म कर लें, या इस तरह से भी कर सकते हो। तो हम एक साथ दो काम हो रहे हैं, और तो गैस भी बच रहा है, तो इसमें नीचे पक भी रहा है और ऊपर से गर्म गुनगुना पानी हो जाएगा हल्का सा, फिर हम इसमें ग्रेवी मतलब पानी डाल देंगे, ग्रेवी बन जाएगी। तो ये देखो अनोखा तरीका, तो ये बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। अब हम जा रहे हैं खाने। हम विवान से पूछते हैं, विवान कैसा लगा चिकन? अच्छा। मामा ने कैसे बनाया था? अच्छा, अच्छा लगा? सच्ची सच्ची बताना कैसा लगा। इधर मुड़ के तो देख, कुर्सी मत घुमा। आज की रिकॉर्डिंग यहाँ पर खत्म होती है। अच्छा गाइस, अगर आपको ये हमारे जैसी टेस्टी टेस्टी चिकन खाना आप भी हमारे वीडियो देख के बनाना, बनाना और ना हमारे वीडियो को लाइक करना, और ना बाय बाय, फिर हम देखते हैं पिछले वीडियो में। तीसरा नहीं होता, दूसरा होता है, ये हमेशा दूसरे के बजाय तीसरा बोलता है। जब ये बोलेगा मुझे तीसरा कुछ चीज़ चाहिए, मतलब वो होता है दूसरा। तो गाइज जैसे विवान ने कहा कि अगर आपको टेस्टी टेस्टी चिकन खाना तो आप हमारी वीडियो को पूरे से देखना और वैसे ही बनाना। तो आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो तब तक बाय बाय, और अपना ख्याल रखना।